साल में कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं। हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इसमें सावन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत की खासी महिमा है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन पूजा और व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत का सीधा कनेक्शन द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से होगी, जो अगले दिन यानी 16 अगस्त को भोर में 5:15 पर समाप्त होगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत 15 अगस्त गुरुवार के दिन रखा जाएगा। बार यह जो है 15 अगस्त दिन बृहस्पतिवार के दिन पड़ रहा है। प्रातः 6 बजे से यह एकादशी प्रारंभ होगी, दूसरे दिन 5:00 तक रहेगी। और यह पुत्रदा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। पुराणों में कथा आती है कि द्वापर युग में महिष्मति नामक राजा, राज्य में एक महिजित नाम के राजा थे। वह पुत्रहीन थे, बहुत दान करते थे। तो उनको बहुत कष्ट हुआ कि हम इतना दान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुझे संतान नहीं है। तो उन्होंने प्रजा के मध्य में ब्राह्मणों को बुलाया, बुला करके अपनी बात कही। तो प्रजा और ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट हुआ यह सुन करके कि हमारे राजा को संतान नहीं है। तो प्रजा के कुछ लोग और ब्राह्मण लोग ये गए जंगल में तपस्या करने के लिए। तो जब जंगल में तपस्या करने के लिए गए तो वहीं पर एक तेजोमान ऋषि दिखाई दिए। उस ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने, उनका नाम था लोमस ऋषि। लोमस ऋषि को प्रणाम करने के बाद उनसे उन्होंने अपनी अभिलाषा रखी, अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, हमारे राजा को पुत्र नहीं हो रहा है। तो लोमस ऋषि ने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद उन्होंने बतलाया कि आपके राजा ने जो है, महिजित राजा ने पूर्व जन्म में एक पाप किया था, जिस पाप के वजह से उसको जो है पुत्र नहीं हो पा रहा था। उन्होंने पूछा कि कौन सा पाप किया था। कहा कि पूर्व जन्म में वो किसी वैश्य थे, जा करके किसी जगह एक जलाशय में वो जल पीने जा रहे थे, पी रहे थे। वहीं पर एक गाय अपने बछड़ों के साथ जल पी रही थी। तो जो वैश्य थे उन्होंने गाय को हटा करके, बछड़ों को हटाकर स्वयं जल पीने लगे। इससे उनको यह पाप हुआ, जिस वजह से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो लोमस ऋषि ने कहा कि उनसे कहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो भी व्रत करेगा वह पुत्रदा नाम की एकादशी कही जाएगी। इसके करने से उसको संतान की अवश्य, पुत्र संतति की अवश्य प्राप्ति होगी। तो राजा ने प्रजा के साथ और ब्राह्मणों के साथ इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से प्रजा ने और ब्राह्मणों ने अपने पुण्य को दिया। पुण्य को देने से राजा को तेजोवान पुत्र पैदा हुआ, इसलिए यह पुत्रदा नामक एकादशी कही जाती है। जय विश्वनाथ।